अक्सर लोग कहते हैं कि यार हम अच्छे कामों में बोर क्यों हो जाते हैं और ऐसा गलत चीज़ों में क्यों नहीं है। टाइम वेस्टिंग वाले काम जितना भी करो मन ही नहीं मानता, मगर पढ़ाई करने में या फिर अपने काम करने में 10 मिनट भी करो तो 1 घंटे के बराबर लगता है। वही व्हाट्सएप पे चैट करने में, इंस्टा पे रील्स देखने में या फिर नेटफ्लिक्स पे पूरी सीरीज देखने के बाद भी हम बोर नहीं होते। आखिर क्यों है ऐसा? सच्ची बात बताऊं, इसमें गलती तेरे मन की नहीं, तेरे हरकतों की है। क्योंकि पढ़ाई तो तेरे लिए एक पार्ट टाइम वर्क बन चुका है ना, कि जब तेरे सारे फालतू काम करके टाइम मिलेगा तब हम पढ़ाई करेंगे, और बाकी सारी एक्टिविटीज तेरे मेन वर्क हैं। कि साला कैरियर या तेल लेने ये तो करूंगा और बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो मैं बता दूं मेरे यार कि ऐसा करके तू सिर्फ खुद की बजा रहा है। सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि आदत की जंजीरें शुरू में इतनी कमजोर होती हैं कि महसूस तक नहीं होती, लेकिन फिर वो एक दिन इतनी मजबूत बन जाती हैं कि टूटती ही नहीं। इसीलिए ऐसी चीज़ों की आदत मत लगाओ जिसके भुगतान तुम्हें पूरी ज़िंदगी तेरे दर्द के रूप में भुगतना पड़े। आजकल के बच्चे खुद को कुछ ऐसे बहाने देते हैं कि अभी तो 4 महीने हैं एग्ज़ाम में, पढ़ लूँगा ना, 90 तो आ ही जाएंगे, अभी तो 2 महीने बाकी हैं, सारे टॉपिक्स याद करके 80 तो ले ही आऊँगा। अरे अभी तो 1 महीना है, फर्स्ट तो आ ही जाऊँगा, आज नहीं कल पढ़ लूँगा, सुबह नहीं शाम को पक्का पढ़ लूँगा, रात को नींद आ रही है, दिन को काम है ना, अरे आज दोस्त का बर्थडे है, आज क्रिकेट मैच है ना, अरे बस कर यार, रुक जा, अब एक बात ध्यान से सुन ले कि आज पढ़ या कल पढ़ना तुम्हें ही है, और अगर पढ़ना ही नहीं है तो माँ बाप का पैसा और ट्रस्ट दोनों बर्बाद क्यों कर रहा है? क्योंकि पैसा कैसे आता है ये तुम्हें पता नहीं, और अगर जानना है तो एक बार माँ बाप जो भी करते हैं उसे एक बार प्रैक्टिस करके देखो, तू जो मांग रहा है वो तुझे मिल रहा है, नोटबुक्स, कपड़े, जूते, स्कूल, तो फिर ये बहाना क्यों? उनके पूरे लाइफ के इन्वेस्टमेंट तुम्हारे पर है तो आखिर रिटर्न्स क्यों नहीं? कभी सोचा है कि जिस टाइम तुम पढ़ने बैठते हो तुम्हारा दिमाग 10 बहाने तुम्हारे सामने ला देता है, स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं हो, गर्मी ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा है, लाइट नहीं है, नींद आ रही है। कभी सोचा है कि ये बहाने तेरा दिमाग तुझे क्यों देता है? क्योंकि ये 2 कौड़ी के बहाने तुम्हें और तुम्हारे दिमाग को सेटिस्फाई कर देते हैं कि हाँ मेरे पास कारण है कि मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा। इसका मतलब अंदर जज्बा तो है पढ़ने का, पर उस पर ये बुरी आदतें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि तू अब अभी क्या करेगा ये तक डिसाइड करने लगी हैं। और याद रखना कि इस दिमाग से बड़ा ना तो कोई दोस्त है और ना ही दुश्मन, क्योंकि ये तुझे जब कंट्रोल करने लगा ना तो समझ ले कि बर्बादी ज़्यादा दूर नहीं है। इसीलिए अपने ज़िद को इतना मजबूत रखो कि साला जब ये दिमाग तुम्हें 10 बहाने ना पढ़ने के दे तो इसको 100 रीज़न जान लगा के पढ़ने के दे दे। कहते हैं ना, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, ये हर तकलीफ में तुम्हें ताकत की दवा देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही मोटिवेट होते रहने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।